हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोलिकेड ईजेड ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, जैसे इसका यूज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है, इसे यूज करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसे कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। कोलिकेड ईजेड ड्रॉप को मेयर ऑर्गेनाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। कोलिकेड ईजेड आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर 104 रुपये में 15 ml की पैकिंग में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से कंटेंट पड़े होते हैं जिनसे मिलकर कोलिकेड ईजेड ड्रॉप बना होता है। कोलिकेड ईजेड ड्रॉप में डिस्टेस 33.33 mg में पड़ा होता है, पिप्सिन 5 mg में पड़ा होता है, सिमेथिकॉन 40 mg में पड़ा होता है। इन तीन कंटेंटों से मिलकर कोलिकेड ईजेड ड्रॉप बना होता है। अब बात करते हैं कोलिकेड ईजेड के यूजेस क्या क्या होते हैं, इसका यूज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है। कोलिकेड ईजेड का यूज बच्चों के पेट दर्द, पेट फूलना, पेट में कब्ज होना, पेट साफ ना होना, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कोलिकेड ईजेड ड्रॉप की सलाह दी जाती है। आपके डॉक्टर के अनुसार और भी कई सारी प्रॉब्लम्स में इसका यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसे कितनी मात्रा में देना होता है। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तब उसे 1-1 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है तब उसे 2 ml सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर डॉक्टर के अनुसार इसकी डोज अलग अलग भी हो सकती है। अब बात करते हैं कोलिकेड ईजेड ड्रॉप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर फिर भी किसी बच्चे में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कोलिकेड ईजेड ड्रॉप का यूज हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही करना होता है, क्योंकि यह बच्चों का ड्रॉप होता है, इसलिए इसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज करवाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलें सबसे पहले देखने के लिए। और मेडिसिन से संबंधित आपका कोई सवाल है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।